Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक ब्यूटिशियन हूं दोस्त। आज मैं दोस्तों आपके सामने लेके आई हूं एक वेट लॉस करने के लिए ड्रिंक्स, जिसको पीने से दोस्तों आप अपने आप को एक आइडियल फिगर दे पाएंगे। ये ड्रिंक्स दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से फैट को बर्न करने में मदद करता है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपका हेल्थ को सही रखेगा, आपका हजमे को सही रखेगा, आपका हेयर स्किन को भी सही रखेगा। और दोस्तों सबसे अच्छा बात मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट है जो लोग जानना चाहते हैं। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, और मैं मेरा वजन को घटाना चाहती हूँ। ये मैं कैसे घटाऊँ और कौन सा हेल्थ ड्रिंक मुझे पीना चाहिए, उनके लिए दोस्तों ये जो मैं आज ड्रिंक्स बनाऊंगी ये बहुत अच्छा है। सिर्फ शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के लिए ही नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए, या जिनका प्रेशर लो है या नॉर्मल है उन लोगों के लिए, जिनका शुगर नहीं है उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये हर कोई के लिए ये ड्रिंक्स बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। दोस्तों इस ड्रिंक्स को बनाने के लिए आपको मेन इंग्रेडिएंट्स लेना है आंवला, यानी इंडियन ग्रॉसबेरी। इससे दोस्तों आपको ये ड्रिंक्स बनेगा। ये दोस्तों आपका हेल्थ के लिए बहुत फायदा देता है। जिनको भी जो एनीमिया पेशेंट है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो शुगर पेशेंट है, इन सभी के लिए और बहुत सारा बीमारी के लिए आंवला बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पहला इंग्रेडिएंट्स आंवला ले रही हूँ। आंवले में दोस्तों बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी रहता है, जो हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों आंवले में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कैरोटीन रहता है, जो स्किन हेल्थ और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों आंवला खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, और जिनको भी हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट का बीमारी है, उनके लिए आंवला बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। ये हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। हार्ट का कोई भी बीमारी को दूर भगाने के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो घटाने में ये मदद करता है दोस्तों। आंवला ब्लड में जो ग्लूकोज रहता है उसका लेवल को रिड्यूस करने में ये मदद करता है। इससे दोस्तों डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, डायबिटीज क्योर होने में ये मदद करता है। इसीलिए मैं इस ड्रिंक्स को शुगर पेशेंट के लिए भी प्रेफर कर रही हूँ। ये सभी लोग पी सकते हैं, उसके साथ शुगर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को भी ये जो ड्रिंक्स है ये लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस ड्रिंक्स को बनाने के लिए आपको लेना है खीरा, यानी क्यूकम्बर। दोस्तों क्यूकम्बर भी स्किन के लिए, हर के लिए, लीवर के लिए, हेल्थ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये फैट को पिघलाने में, आपका जो बढ़ता हुआ वजन है उसको घटाने में ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। दोस्तों खीरे के बारे में इससे पहले भी मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, उसके बारे में इसका क्या क्या बेनिफिट है आप कृपया उसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। इसके बाद आपको क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा ये देखिए, ये है करी पत्ता। दोस्तों करी पत्ता आपको लेना है, करी पत्ता भी फैट पिघलाने में बहुत फायदा देता है। करी पत्ता के ऊपर भी मैं इससे पहले वीडियो कर चुकी हूँ, उसको आप देख लीजिए। और लेना है आपको दोस्तों लेमन, लेमन से भी फैट बहुत अच्छी तरीके से बर्न होता है, और लेमन से फैट पिघलाता नहीं है दोस्तों। इसका बहुत सारा फायदा है बॉडी के लिए, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर सभी के लिए। और लेना है दोस्तों हनी और ब्लैक सॉल्ट। याद रखिए दोस्तों ये ब्लैक सॉल्ट हनी, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर है उन लोगों को नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल जो है उन लोगों के लिए ये ब्लैक सॉल्ट और हनी लेना है। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है उन हनी और ब्लैक सॉल्ट नहीं लेना है। मैं दोबारा बोली हूँ, आप याद रखिए, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर या शुगर है उनको ये दोनों चीज नहीं लेना है, हनी और ब्लैक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट नहीं लेना है। इन दोनों के बिना ही इस ड्रिंक्स को आपको पीना है। अभी देखिए इस ड्रिंक्स को
बनाने के लिए आपको क्या करना है। पहले आपको 3 आंवला लेना है, ये देखिए 3 आंवला। ये जो मैं ड्रिंक्स बनाऊंगी ये 1 ग्लास ड्रिंक्स के लिए है। आपको ये ड्रिंक्स दिन में 3 बार लेना है, 3 ग्लास। ये 1 ग्लास ड्रिंक्स के लिए आपको लेना है 3 आंवला। इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ये काट के दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो बीज है यानी सीड है इसको आपको फेंक देना है, इसको नहीं लेना है। इन तीनों को पहले अच्छी तरह आप स्लाइस करके ले लीजिए। इसको बाद में आपको ग्राइंडर में पीसना है। पहले इसको स्लाइस कर लीजिए और इसका सीड निकाल के फेंक दीजिए। और दोस्तों आपको लेना है 1 खीरा। याद रखिए दोस्तों ये 1 ग्लास ड्रिंक्स के लिए लेना है, 1 खीरा लेना है आपको। ये जो मैं नाप ले रही हूँ मेरा एक हाथ का बराबर है, ये इतना सा आपको खीरा लेना है। इसको भी मैं काट के आपके सामने दिखा रही हूँ। दोस्तों मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आता है, मैं वीडियो में बहुत डिटेल्स में बोलती हूँ, फिर भी देखने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको समझ में नहीं आता है। काइंडली दोस्तों वीडियो को आप दोबारा देखिए, मैं कितना सा लेना है आपको, कितना बार लेना है मैं बार बार बोलती हूँ। अभी जो मैं ड्रिंक्स बना रही हूँ ये 1 ग्लास ड्रिंक्स के लिए ही बन रहा है। आपको 3 ग्लास बनाना है तब इसका 3 डबल लेना है। तो अभी आपको इसको 3 बार पीना है भी है, इसीलिए अभी आप मैं 1 ग्लास ड्रिंक्स के लिए इसको बना के दिखा रही हूँ। 1 ग्लास ड्रिंक्स के लिए आपको लेना है 3 आंवला और 1 खीरा। इसको मैं काट के आपके सामने पूरा दिखा रही हूँ आंवले को। और ये देखिए मैं ग्राइंडर में पीसने के लिए ग्राइंडर में डाल रही हूँ। पहले ही दोस्तों मैं खीरे को ले चुकी हूँ ग्राइंडर में इसको पीसने के लिए। और दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कारी पत्ता लेना है। कारी पत्ता दोस्तों 7-8 ले लीजिए आप। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत आपका एक हाथ का बराबर ये इतना सा आपको लेना है कारी पत्ता, या 10 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 करी पत्ता बड़ा सा होगा, 10 करी पत्ता ले लीजिए। फिर इस सभी को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको आपको कैसे पीना है और इसमें क्या क्या ऐड करना है और कब पीना है, कैसे पीना है, पूरा डिटेल्स में मैं के बाद में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों मैं इसको पीस के लेके आई हूँ, ये पीसा हुआ है ग्राइंडर में। अभी देखिए आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है। एक ग्लास में आपको इसको डाल लेना है, ये आधा ग्लास आपका होगा ये पेस्ट, आधा ग्लास के बराबर, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है उसके ऊपर जाता है। और आपको इसमें पानी डालना है आधा ग्लास। एक ग्लास में पानी लेके आए, जितना भी लगे आप इसमें पूरा एक ग्लास कर लीजिए इसको पानी डाल के। देखिए आधा ग्लास ही लगा है पानी। इसके बाद आपको एक लेमन लेना है, पूरा एक लेमन। और इस लेमन को आप पूरा निचोड़ के इसमें मिक्स कर लीजिए। ये पूरा मेरा लेमन ले लिया मैंने, एक लेमन। अभी दोस्तों इसको ऐसे ही पीजिएगा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है उनको ऐसे ही इस ड्रिंक्स को पीना है। और जो नॉर्मल है जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है वो यहाँ पे 2 चुटकी आप ब्लैक सॉल्ट डालिए और 1 चम्मच आप हनी लीजिए, इससे इसका कड़वापन कम हो जाएगा। और जिनको हनी नहीं चाहिए तो हनी पसंद नहीं है या कोई प्रॉब्लम है हनी भी नहीं ले सकते, सिर्फ आप ये ड्रिंक्स को सॉल्ट और हनी के बिना भी पी सकते हैं या इसको देके भी पी सकते हैं। याद रखना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है वो दोनों ये सॉल्ट और आप हनी मत लीजिए, इसके सिवा सिर्फ इस ड्रिंक्स को पीजिए। ये दोस्तों आपको सुबह खाली पेट पीना है, सुबह 1 ग्लास खाली पेट आपको पीना है। इसको पीने के 10 मिनट बाद आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, याद रखिए। उसके बाद आपको कोई भी ब्रेकफास्ट आप लीजिए, ब्रेकफास्ट में सलाद लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। चावल और कोई भी मसालादार खाना मत खाइए, ऑयल फ्री खाना खाइए। सुबह खाली पेट जो भी हम लोग खाते हैं उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो बेनिफिट है वो ज़्यादा हम लोगों का बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए सुबह जितना तक हो सके ऑयल फ्री खाना खाइए, सलाद लीजिए।
चावल तो एकदम भी नहीं लीजिए। और दोस्तों इसको आपको दोपहर पे भी लेना है, खाना खाने से 10 मिनट पहले। दोस्तों इस ड्रिंक्स को आपको 3 बार लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। लंच और डिनर से 10 मिनट पहले इसको आपको पीना है और ब्रेकफास्ट में भी आपको 10 मिनट पहले पीना है। पर 10 मिनट पहले इसको पीने के बाद आपको एक ग्लास गुनगुना पानी पी के फिर ब्रेकफास्ट लेना है, याद रखिए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, फिर से सुन लीजिए। ये जो ड्रिंक्स बना है, ये ड्रिंक्स सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले खाली पेट 10 मिनट पहले आपको इस ड्रिंक्स को लेना है। 10 मिनट बाद आपको गुनगुना पानी पीना है एक ग्लास, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट खाना है। ब्रेकफास्ट के बाद लंच जब आप कीजिएगा उससे 10 मिनट पहले आप इस ड्रिंक्स को पीजिए और फिर डिनर से भी 10 मिनट पहले इस ड्रिंक्स को पीजिए। ये मैं एक ग्लास ड्रिंक्स आपको यहाँ पे दिखाई हूँ, आपको 3 टाइम इसको लेना है, 3 ग्लास लेना है अलग अलग बना के, या आप एक साथ बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। पर याद रखिए फ्रिज से निकाल के ये जब तक ना नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तब तक इसको नहीं पीना है। नॉर्मल टेम्परेचर जब आएगा तभी आप इसको पीजिएगा। ठंडा कोई भी चीज मत खाइए, ठंडा कोई भी चीज मत पीजिए, इससे फैट बढ़ता है, बॉडी का वेट बढ़ता है, ठंडा चीज को अवॉइड कीजिए। और दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा कमेंट्स आते हैं, एक ही कमेंट्स बार बार आता है, एक ही क्वेश्चन, तो मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। पर एक ही क्वेश्चन जब हर कोई का होता है तब मैं एक ही आंसर देती हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा कमेंट्स को भी फॉलो कीजिए, उसके साथ मेरा वीडियो को भी दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, इसमें मैं पूरा डिटेल्स में दे दी हूँ। और याद रखिए ये ड्रिंक्स में जिनको भी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है वो इनमें हनी और ब्लैक सॉल्ट मत डाल।